इस वक्त की बड़ी खबर, हाथरस कांड के बाद पहली बार कैमरे पर आए बाबा सूरजपाल। हाथरस भागदड़ पर सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का बयान आया सामने। सूरजपाल ने भगदड़ की घटना को बताया साजिश। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, सूरजपाल ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि हाथरस हादसे से दुखी हूं, हादसे के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, हादसे के जिम्मेदार द्रवियों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन पर भरोसा बनाए रखे और पहली बार बाबा सूरजपाल कैमरे पर सामने आए। हाथरस की घटना पर दुख जताते हुए कहा कि जो भी दोषी होगा मामले में उनको बख्शा नहीं जाएगा, साथ ही साथ प्रशासन पर भरोसा बनाए रखने की भी बात सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने कही है। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सदमति और सदबुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता जय किशोर का। जय, हाथरस की हादसे के इतने दिन बाद नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने प्रशासन पर भरोसा रखने की बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसमें जो भी जिम्मेदार लोग होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन उस दिन हाथरस में क्या कुछ हुआ इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो चले गए और जब उनको हादसे की खबर लगी तो वो वापस मुड़ के नहीं आए, वापस घायलों का हालचाल जानने नहीं आए। इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, हालांकि सिर्फ एक चीज कही कि प्रशासन पर भरोसा बनाए रखे और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जी, बताना चाहूंगा, जिस दिन 2 जुलाई को हादसा हुआ उसी दिन से लोगों में बाबा के प्रति रोष था, क्योंकि बाबा ने अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया और ना ही बाबा वहां पे रुके और ना ही बाबा की तरफ से कोई भी जो भी मृतक थे या घायल थे उनके लिए कोई भी अपनी तरफ से जिम्मेदारी नहीं ली गई और ना ही उनकी मदद की गई थी। इसको लेकर के हाथरस पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 22 लोगों में मुख्य आरोपी के रूप में देव प्रकाश मधुकर को बनाया गया था, जिस पर 1,00,000 रुपए का इनाम भी पुलिस द्वारा घोषित किया गया था। और देर रात उसको UPSTF की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद में बाबा का बयान आना एक अलग से इस मामले में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बाबा को शायद डर लगा हो, इसीलिए बाबा ने इस मामले में अपना बयान जारी किया है।
जय, चूंकि अब बाबा सामने आ चुके हैं, उनका बयान भी सामने आ चुका है, क्या ऐसे में प्रशासन अब भोले बाबा से पूछताछ करेगा? जी बिल्कुल, पूछताछ होनी चाहिए और प्रशासन करेगा भी। सुनने में आ रहा है कि जनपद हाथरस में जो हादसा हुआ है उसको लेकर के जो जुडिशियली टीम बनाई गई थी वो टीम भी शायद आज हाथरस आ सकती है और जल्द ही बाबा से भी इस मामले में पूछताछ की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जय, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए।